हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये होममेड इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनाएंगे। ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। अगर आपको अब ये सर्दी के दिन आ रहे हैं, अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम ये सब रहता है अभी, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बहुत ही आपको हेल्प करेगा बीमारी को दूर रखने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेतास किचन, थैंक यू। इम्यूनिटी पाउडर बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए ये 6 चम्मच सौंफ ली है मैंने, धनिया लिया है 3 चम्मच, जीरा है 3 चम्मच, इलायची है इसमें 2 चम्मच, काली मिर्च ली है 1 स्पून, और इसमें मैंने 1 स्पून लौंग लिया है, 1 स्पून दालचीनी है इसमें, और 1 स्पून सौंठ है, 6 स्पून हल्दी पाउडर है, 1 स्पून अजवाइन है। तो ये सब हमारी ये 9 चीज़ों से मिलकर हमारा ये पाउडर बनेगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमें ये सारे मसालों को भून लेना है। तो ये देखिए, हमने ये जो सौंफ ली है ये हमने 6 चम्मच लिया है चम्मच के हिसाब से, तो ये मैंने 6 चम्मच सौंफ ले ली है। इसे हम डाल देंगे एक पैन में, पैन को हम एकदम स्लो आंच पे रखेंगे। ये देखिए धनिया है, धनिया हम 3 चम्मच लेंगे फ्रेंड्स। ये सारी डिटेल्स मैं इसमें डिटेल्स सेक्शन में भी लिख दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमने जीरा लिया है, ये भी 3 चम्मच जीरा है। ये लौंग है फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच भर के लौंग है। ये काली मिर्च है, ये भी 1 स्पून है काली मिर्च। ये मैंने छोटी इलायची ली है, ये 2 चम्मच भर के ली है। अब ये इसमें मैं थोड़ी सी ये अजवाइन भी डाल दूंगी फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, विटामिन सी हमारा बहुत बढ़ता है इन सब चीज़ों से। ये देखिए मैंने ये दालचीनी है, अगर मैंने ये दालचीनी इसमें ऐसी डाली है, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो एंड में भी मिक्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसमें दालचीनी पाउडर एंड में डाल दूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये दालचीनी भी डाल सकते थे। 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए दालचीनी का, उसे भी इसके साथ में मिक्स कर दीजिए। अब इसे हमें फ्लेम को एकदम ही स्लो आंच पे रखना है और इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ अभी भून लेना है। भूनने से फ्रेंड्स इसमें एक तो ये काफ़ी टाइम तक आप ये मसाले को रख सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इससे ये बहुत बहुत अच्छा एक इसमें फ्लेवर आ जाता है, और आप इसे डायरेक्ट भी फिर खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें एकदम ही मीडियम स्लो आंच पर, मीडियम टू स्लो में भूनते रहना है, कंटिन्यूसली चलाते रहिए इसे, ताकि ये जले भी ना और एक बहुत अच्छा हमारा सारे मसाले भी भून जाए इसमें। और 2 मिनट के अंदर ही आपको एक बहुत अच्छी इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ये क्योंकि ये सारे मसाले बहुत हेल्दी मसाले हैं, ये विटामिन सी से भरपूर है फ्रेंड्स। आप ये पाउडर को बना के एक एयरटाइट डब्बे में रखिएगा फ्रेंड्स, इसे आप साल भर तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी से इसे स्लोली स्लोली आपको इस तरह से कंटिन्यूसली भूनते रहना है, और ये देखिए फ्रेंड्स 7-8 मिनट में ही ये सारे मसाले अच्छे से भून के हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, टेम्पटिंग स्मेल है ये। अब ये इसे एक प्लेट में निकाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा। ये देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाता है, और फ्रेंड्स जो सौंठ और हल्दी पाउडर है वो हम इसमें बाद में मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा ये पाउडर, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते ठंडा होने के लिए और फिर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है ये पाउडर को, ये हमारा सारा मसालों का पाउडर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने हल्दी ली थी
वो हल्दी को भी, अब इसमें 6 चम्मच हल्दी लिए है फ्रेंड, तो 6 चम्मच हल्दी भी इसमें हम ये डाल देंगे। और ये सौंठ है, ये सौंठ का पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। 1 स्पून सौंठ का पाउडर लिया है। और ये है हमारी दालचीनी फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़ा सा पाउडर भी था तो मैं ये दालचीनी का पाउडर भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ, या आप वो लकड़ी भी इसमें डायरेक्ट डाल के कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ों को मिला के मैंने एक बार फिर ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए, ये हमारा इम्यूनिटी पाउडर तैयार हो गया। ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर है, बहुत ही बढ़िया। अब इसे हम एक एयरटाइट बॉक्स में रख लेंगे, ये बहुत अच्छी सुगंध आती है फ्रेंड्स इस तरह से। ये देखिए हमारा इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। आप फ्रेंड्स इसे आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, 1 ग्लास गर्म पानी में 1/2 चम्मच ये पाउडर डाल के मिक्स करके आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये आपको बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। और इसे आपको सर्दी खांसी जुकाम सब में बहुत हेल्प होंगी, और आपको बिल्कुल नहीं होगी सर्दी खांसी जुकाम और ना कोई बीमारी। आप चाहे तो इस मसाले को आप थोड़ा 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 सा सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं, या फिर चाय बनाते समय भी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो बीमारी रखिए अपने से दूर और बनाइए ये पाउडर, और सर्दी खांसी जुकाम को रखिए अपने से कुछ सो दूर। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेतास किचन। थैंक यू।